वोल्टिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मेन डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, यह हमारे पास क्या है? बोलो भाई, हमारा क्या है? इसको लिखो गैल्वेनिक सेल, क्या लिखो इसको? गैल्वेनिक। और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस है भाई? एक तो डिफरेंस ये था, गैल्वेनिक सेल क्या होता है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या क्या डिफरेंस था? पहला तो ये था, ये तो क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या था बताओ? यहां पर दोनों इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? अलग अलग वेसल में रखे जाते हैं भाई, नहीं समझे बात? यहां पर दोनों प्लेट क्या होती हैं? सेम वेसल में रखी जाएंगी, इजंट इट? बोलो भाई। नहीं आपको? तीसरा क्या होता है इसके अंदर? क्या होती है ये? काम करता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। इस पे रेडॉक्स रिएक्शन, ये इसमें क्या करना पड़ता है आपको? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन आपने कैरी आउट करनी होती है, जो अपने आप नहीं होना चाहती, आप उसको एनर्जी दे के कैरी आउट करते हो, इजंट इट? और ये क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? क्या था गर्मी में? एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था। यहां पर कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता, उल्टा है। नहीं आना आपको ये? बोलो भाई। इसमें सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल होता है क्या? इसमें कैसे होता है? इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है, इसमें सॉल्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं आया आपको? अच्छा, और आसान है, मुश्किल हुई है? पक्का आ गया आपको? वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।